बाय बाय, थैंक यू, चल बाय। झोप आली तुला, बाय बाय, गुड नाईट। गणपती बाप्पा मोरया मंगल मूर्ती मोरया उंदीर ममाकी जय। हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू अनदर व्लॉग। सो आज हम जा रहे हैं शिरडी और अभी बजे 11 और हम निकले दादर टीटी में से और हम अभी जा रहे हैं टूवर्ड्स कल्याण जहाँ हमारे दो दोस्त रुके। तो अभी हमारे साथ है हिमालयन पे राहुल, डोमिनार पे दीप और एक बुलेट पे दीप का दोस्त है और विक्रांत करिश्मा पे आ रहा है पीछे से। और आगे जाके हम मिलने वाले हैं गिरीश को जो रहेगा यामा SZ या फिर अपाचे RR 310 पे और सुमित रहेगा हिमालयन पे। और ये हेडलाइट थोड़ा नाटक करते हुए शिरडी राइड है और ये कुछ ना कुछ तो चालू हो गया है। लास्ट टाइम जब मैं शिरडी गया था तभी एलिमिनेटर का चेन टूट गया था रात को 1 बजे घोटी रोड पे। तो अभी मैं आशा करता हूँ कि कुछ होना नहीं चाहिए, अच्छे से राइड पूरी हो और हम आराम से एकदम एंजॉय करके अच्छे से घर पे पहुँचे सब मज़ा करके। और ये राहुल का पैनियर्स रिफ्लेक्ट कर रहा है लाइट, मेरा ही हेडलाइट मेरे ही मुंह पे। तो मैं घर से निकला था ऑलमोस्ट 10:15 पे और 45 मिनट्स मुझे वेट करना पड़ा। 15 मिनट्स में राहुल आया, 15 मिनट्स में दीप आया और 15 मिनट्स में विक्रांत आया। तो हम रुके थे विक्रांत के लिए। ऐसा हो सकता है कि CVR और मेरा एक साथ लास्ट राइड हो क्योंकि मैं CVR बेचने की सोच रहा हूँ। और ऐसे इडियट्स रहते हैं रास्ते पे तो थोड़ा आराम से चलाना आजू बाजू में देख के, क्योंकि उनको दिखता नहीं है, वो अंधे होते हैं, सबको घाई लगी होती है और जाना कहाँ कहीं नहीं होता है। सो अभी बजे 2:37 और हम लोग निकल रहे हैं कसारा से। सो बेसिकली हम लोग का फर्स्ट स्टॉप दादर के बाद हुआ थाने में, जहाँ पे हमको निकलते तलक ही बज गए थे 12:30 और उसके बाद एक स्टॉप हुआ कल्याण में जहाँ पे हम निकले 1:15 तलक और 2 बजे हम कसारा पहुँचे थे और अभी बज गया 2:38। और सरप्राइज़ था कि हमें सचिन ने और सुमित के दोस्तों ने भी ज्वाइन किया है। तो जहाँ पे मैं सोच रहा था कि सिर्फ 6 बाइक रहेगी वहाँ पे अभी 13 बाइक है। तो अभी देखते हैं कसारा घाट में कितना मज़ा आता है। बहुत बीच बीच में थोड़ा सा बारिश है, थोड़े रास्ते ख़राब है, ट्रैफिक बहुत है ट्रक्स का, बाकी सब बढ़िया है। और राहुल और मैं इंटरकॉम पे बात कर रहे हैं। राहुल तो ऐसा हम लोग दोनों का टाइम पास चालू है कब से, मेरा और राहुल का, हम लोग बात करते करते आ रहे हैं कब से। जा रहा है मतलब वही तो मजा कर रहा हूँ मैं।
कार्ड क्लियर है ये लेफ्ट नहीं टक फूड एक ट्रक है तला परत राइट नहीं के तला राइट ले मस्त लेफ्ट है सटाने पेटाल है मैं अरे दीपे तो अभी बज गए 3 और मैं घर से दूर आया हूँ 138 किलोमीटर्स और मैं पहुंच गया हूँ घोटी रोड पे। देखते हैं आगे का सफर कैसे जाता है। अच्छा होगा, बढ़िया होगा। चीन में हमारे साथ में सफर तो बढ़िया होगा। असद लास्ट टाइम थाम ले ला हटो थे क्या अपन और ये है हम घोटी रास्ते पे। आप देख सकते हो ये कितनी सुनसान जगह है, आजू बाजू में कुछ भी नहीं है और सिर्फ हमारी बाइक जा रही है ये रास्ते पे से। और लकीली ये टाइम ये रास्ता अभी बहुत अच्छे से बनाया हुआ है। बीच बीच में थोड़े ऑफ रोड पैचेज है पर तो भी वो उतना ठीक है, नहीं तो पूरा रास्ता लास्ट टाइम ऑफ रोड पैचेज से था। पाउस आला वाटता मे पानी कुठे येते माझ्या हेलमेट वरना एक काय टिपके टिपके पडतायत। नाही शिर्डी सर आहे किलोमीटर नाही लिहिले
शिर्डी पर्यंत तो रस्ता एवढा चांगला आहे आणि इकडे आल्यावर एवढे खड्डे आहेत शिर्डीचे आत ते पण बघ ना अरे हम चांद पे चल अंकल पीछे जाओ स्पीड ब्रेकर है खड्डा है काय है त्याने स्पीड ब्रेकर पण एवढे खराब झाले की त्याच्यावर माती टाकून त्याला मोठा केलाय बेटा तू बड़ा बन के स्पीड ब्रेकर बनेगा इट इज 5:55 AM 247 किलोमीटर्स डन दोन गाड़ी पेट्रोल बाकी है आणि आली 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 कमान आली हाँ राहुल चा लेफ्ट आणि राइट चा प्रॉब्लेम है रामून वाटली ना टाकी राइट ले ओम साई राम जय साई बाबा की जय साई बाबा की जय टाकी 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 उम्बा कुठे टाकतोय काय रोडला थांबतोय टल्ली and I have reached Shirdi it is 6:24 in the morning that's it for this vlog see you in the next vlog bye bye